जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है, और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती? आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है, और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं एक शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और भदौर चमकौर से। साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं, एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है, अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की सीट के बारे में क्या आकलन करते हैं? वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या आप तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की शब्दावली के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है उनकी शब्दों को लेकर? देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करने नहीं आते, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं है। वो उनको मुबारक, मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना, तो गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। सर,